Hello, students. Today I am going to explain question answers of in lesson A Tiger in the House of English tutor Class 7. In my previous video, I have explained the chapter, and in this video, I am going to explain question answers line by line in Hindi. So, let's start with question number 1 When and where did grandfather find the tiger cub? बाघ का बच्चा कब और कहाँ मिलता है एंड आंसर इज द टाइगर कब वर डिस्कवर्ड माई ग्रैंड फ़ादर और हंटी एक्सपेडिशन इन द तेराई जंगल नियर देहरा जो बाघ का बच्चा था वो दादाजी को एक शिकारी अभियान के दौरान तराई जंगल में देहरा के पास मिलता है हु नेम द टाइगर कब एंड वट वॉज द कब कॉल्ड द टाइगर कब वॉज नेम टी मोती माई ग्रैंड मदर जो बाघ का बच्चा था उसका नाम किसने रखा था और क्या रखा गया जो बाग का बच्चा था उसका नाम रखा गया टिमोथी और वो रखा था ऑथर की ग्रैंड मदर ने दादी ने वाट वॉज द डाइट ऑफ द टाइगर कब इन द इनिशियल डेज हु कब्स कंपेनियंस जो शुरुआती दिन थे उनमें बाग के बच्चे को क्या खाना दिया जाता था और उसके साथ ही कौन थे एट वॉज द टाइगर कप वॉज गिवन मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल एंड after that he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be later followed by a more tempting diet of pigeons and rabbits पहले जब बाग का बच्चा छोटा था तो उसको एक दूध की बॉटल से दूध दिया जाता था उसके बाद उसे रॉम मटन और कॉडलीवर ऑयल की डाइट दी जाने लगी और जिसके बाद उसको बाद में कबूतर जो खरगोश थे वो दिए जाते थे इज कम्पेनियंस व टोटो द मंकी एंड स्माल मोंगरेल पपी उसके जो साथी थे वो एक बंदर था जिसका नाम टोटो था और एक छोटा डॉग था मोंगरेल पपी मतलब एक डॉग की जो मिक्स ब्रीड होती है वो छोटा एक पैट उसका साथी था वाट वॉज़ टिमोथीज फेवरेट प्लेस इन द हाउस जो टिमोथी टाइगर था उसका सबसे पसंद आने वाली जगह घर में कौन सी थी इज़ फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राॅइंग रूम एंड ही वुड मेक इमसल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा उसके सबसे पसंदीदा जगह थी ड्राॅइंग रूम और वहाँ जो सोफ़ा था उस पर उसे लेटना ज़्यादा पसंद आता था वन एंड वाई डिड ग्रैंड फादर विजिट जू कब और क्यों दादाजी चिड़ियाघर में जाते हैं अबाउट सिक्स मंथ लेटर टिमोथी वज ट्रांसफर टू अ जू ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स व विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ देन ग्रैंड फादर विजिटेड द ज़ू छः महीने के बाद जब टिमोथी को चिड़ियाघर में भेजा गया था उसके बाद जो दादाजी थे और दादी थी दोनों अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे लखनऊ में तब दादाजी चिड़ियाघर में उस बाग के बच्चे से टिमोथी से मिलने जाते हैं बाघ से मिलने जाते हैं नाउ टिक करेक्ट आंसर आई द आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है सी और सेकेंड का आंसर है बी नाव सीपा डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर इन जंगल कैंप जो कैंप लगाया गया था उसका उसको डिस्क्राइब करना है द टेंट वॉज वेरी स्प्लेंडेड जो टेंट था बहुत शानदार था देयर वर सेवन लार्ज टेंट सात बड़े टेंट थे देर वर ऑल्सो सम फिफ्टीन एलिफेंट्स फोर ऑफ दैम विद हाउडर्स फॉर द शिकारी एंड द अदर स्पेशली ट्रेन फॉर टेकिंग पार्ट इन द बीट पंद्रह हाथी थे जिनमें से जो चार थे उनके ऊपर जो शिकारियों के लिए थे वो उनके बैठने के लिए और जो बाक़ी थे वो उस जो दौड़ थी एक तरह से जो शिकार करने की उसमें भाग लेने के लिए थे देयर वॉज ऑल्सो अ डाइनिंग टेंट एंड अ नंबर ऑफ सर्वेंट टेंट जितने भी सर्वेंट गए थे सभी के लिए टेंट थे और उसके अलावा जो खाना खाने के लिए भी एक अलग से टेंट था आई टिमोथी टेकन टू द जू टिमोथी को जिड़ियागर क्यों भेजा गया बन टिमोथी वॉज अबाउट सिक्स मंथ्स ओल्ड चेंज केम ओवर है मिग्री स्टे डीली लेस फ्रेंडली जब टिमोथी छः महीने का था तो उसके अंदर एक परिवर्तन आया और वो थोड़ा कम फ्रेंडली हो गया था टिमोथी एक्ट टू बी चेंज अप मोर ऑफन उसे ज़्यादातर बांध के रखा जाता था वैन आउट फॉर अ वॉक विद ऑथर ही वुड ट्राई टू स्टॉक अ कैट और सम वंस पैट जब उसे ऑथर बाहर लेके जाते थे वॉक के लिए सैर कराने के लिए तो वो किसी बिल्ली या किसी दूसरे पेट के पीछे उसका पीछा करना उसे ज़्यादा अच्छा लगता था स्टॉक का मतलब है पीछा करना जू तब जो दादाजी थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इसको जू में भेजने का टाइम आ गया है अपने साथी और ऑथर के साथ क्या व्यवहार था एट फॉर्स्ट टिमोथी टू बी अफ्रेड ऑफ द पपी एंड रेनवे शुरू में जो टिमोथी था वो उस जो पपी था उसे बहुत डरता था और जब वो उसके पास आता था तो वो उसे दूर भाग जाता था एक सुरक्षित दूरी को बनाकर रखते हुए फाइनली अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज़ बैक और बाद में उसने उस जो कुत्ते का बच्चा था उसको अपनी पीठ पर चढ़ना अलाउ किया यानी वो उसके साथ फ्रेंडली हो गया था ऑथर बिकेम वन ऑफ टिमोथीज़ फेवरेट्स और जो ऑथर था वो टिमोथी का एक पसंदीदा साथी बन गया था ही लाइक टू प्ले विद ऑथर उसे ऑथर के साथ खेलना अच्छा लगता था वाट वॉज़ ग्रैंड फादर्स एक्सपीरियंस वैन यू वेंट अगेन टू मीट टिमोथी एट द ज़ू जब ग्रैंड फ़ादर जो दादाजी हैं दोबारा ज़ू में टिमोथी से मिलने के लिए जाते हैं तो उसका व्यवहार कैसा था या दादाजी को कैसा अनुभव रहा ग्रैंड फादर फोट इज आम थ्रू द बार्स ऑफ द केज जो दादाजी हैं वो अपनी जो हाथ हैं जो बाजू थी उनको पिंजरे के अंदर पिंजरे की जो सलाखें थी उससे अंदर करते हैं उस टाइगर के सर पर हाथ फेरने के लिए द टाइगर अप्रोच द बार्स जो टाइगर है वो भी सलाखों के पास आ जाता है एंड लाउड ग्रैंड फादर टू पुट बोथ एंड सराउंड डिजाइड और वो दादाजी को अपने दोनों हाथ उसके सिर पे रखने देता है हिलिक ग्रैंड फादर सैड्स और वो उनके हाथों को चाटता है व्हाट डिड दी जू कीपर टेल ग्रैंड फादर अब द बिहेवियर ऑफ़ द टाइगर इन द केज और जो चिड़ियाघर में रख रखाव करने वाला था वो दादाजी को उस के व्यवहार के बारे में क्या बताता था जो पिंजरे के अंदर है क्या बताया उसने द जूकी पर टोल ग्रैंडफादर डेट ही हैड नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग एंड ही हैड नेवर बीन एबल टू टच हिम कि वो बहुत ज़्यादा समय से यहाँ पर नहीं था यानी बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं आया था और जब से वो यहाँ आया है उस टाइगर ने उसको छूने नहीं दिया वॉज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड वो हमेशा ही एक बुरे मूड में होता था अब यहाँ सिनानिम्स लिखने है इन मतलब यानी 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 से हैं इन वर्ड्स के स्पोटेड मतलब डॉटेड डिस्कवर्ड यानि फाइंड यानी ढूंढना कंपेनियंस यानि पार्टनर्स यानी साथ ही डिफिकल्टी यानी कठिनाई जिसका सिनोनिम है कॉम्प्लीकेशन ग्लैड मतलब खुश यानी हैप्पी अपॉर्चुनिटी मतलब अफसर जिसका सिनोनम है चांस स्टूडेंट्स आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर आई है क्वेश्चन and i have also explained all the questions line by line in hindi i hope you will like this video and this video will help you and subscribe my channel for more videos thank you